घर से निकले नहीं कि गुमराह होने की बात करते हो। घर से निकले नहीं कि गुमराह होने की बात करते हो। घर से निकलो तो सही, घर से निकलो तो सही, रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। पीएससी स्टडी में सभी साथियों का स्वागत है। इस क्लास में हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के देखने वाले हैं, 2 दिसंबर 2022 की। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और विचार करना है। इसकी पीडीएफ आपको प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल पर एनसीईआरटी की भूगोल की क्लास चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। अब ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एनसीईआरटी, तो उनको भी आप जरूर ही लें। स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा में कितने मिनट में 22,000 नाव बनाने की उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। पहले क्वेश्चन को समझना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। कौन सी यात्रा है? बाली यात्रा। कहाँ पर हुई है? कटक बाली यात्रा कहा जाता है इसे। इसमें कितने मिनट पूछा है हमसे? हमसे पूछा क्या है? कितने मिनट में? हम इसका आंसर भी देखेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे पास बहुत सारे आंसर हैं जो कि हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितने मिनट में 22,000 नाव, कितनी नाव बनाई है? 22,000। ये उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? कौन सी यात्रा थी? तो ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा थी। इसमें कितनी नाव बनाई है? इसमें 22,000 नाव बनाई है। कितने मिनट में बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट में बनाई है। कहां पर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो गई है। आपको ये ध्यान रखना है, कटक बाली यात्रा में 22,000 नाव बना करके 35 मिनट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया गया है। कहां पर आयोजित की गई? तो एक कटक उड़ीसा में ये आयोजन इसका किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में, सीडीपी के द्वारा एक जलवायु कार्यवाही सूची जारी की जाती है, तो उसी में क्या हुआ है? यहाँ पर एक भारतीय शहर है, उसमें शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अब ये दक्षिण एशिया क्या है? आपने सार्क सुना है, आसियान सुना है, जो कि दक्षिण एशिया के ही देश है। दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है उसे, आसियान को। लेकिन ये दक्षिण एशिया क्या है? आपको पता होगा जो सार्क देश, 8 देश जो आते हैं सार्क में, उन सभी देशों को मिलाकर की दक्षिण एशिया का निर्माण होता है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत दक्षिण एशिया में ही स्थित है। 8 देश कौन कौन से आते हैं दक्षिण एशिया में, वो हम देखने वाले हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई बन गया है। अब यहाँ पर ये कब आयोजन किया गया, इसका सूची का कब निकाली गई? तो नवंबर 2022 में ये सूची जारी की गई, सीडीपी द्वारा ये जारी की गई सूची। अब सीडीपी क्या है? सीडीपी जारी की गई, सीडीपी देखते हैं। सीडीपी की फुल फॉर्म है, आपसे सीडीपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि करंट में है तो जरूरी नहीं है वो आपसे मुंबई का नाम ही पूछेंगे, वो कौन सा शहर है वही पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे कि भाई बच्चे ने ये तो रट लिया होगा, कौन से शहर ने ये, कौन सा शहर ने
पहला शहर बन गया है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला, लेकिन बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा कि सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर दक्षिण एशिया इसमें आया है तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आखिर दक्षिण एशिया है क्या, तो उन्हें ये पता है कि बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा तो वो आपसे क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये तो था ही नहीं करंट में, ये कहां से पूछ लिया इस तरह से। तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है कि जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को पूरा खोल खोल के पढ़ना है। तो यहां पर दक्षिण एशिया आया है, हम वो देखेंगे, सीडीपी देखेंगे कि सीडीपी क्या है, क्या काम करती है। सीडीपी की फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी की फुल फॉर्म है। सीडीपी हो गया, अब इसका काम क्या है सीडीपी का? तो सीडीपी का काम देख सकते हैं, ये एक विकास कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है? जलवायु पर एक विकास कार्यक्रम है। क्या करती है? ग्रामीण लोगों के बीच भेदभाव दूर करके सामुदायिक विकास उत्पन्न करना ही इसका काम है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जलवायु पर लोग कैसे कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करना ही इसका कार्य होता है सीडीपी का। तो सीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? सीडीपी एक विकास कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण लोगों में सामुदायिक भेदभाव को दूर करके उनमें सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है, और जलवायु वहां पर किस तरह से मैनेज की जा रही है उस पर कार्य करता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सार्क के बारे में कि सार्क क्या है। सार्क अभी मैंने बताया, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सार्क कहां से आ गया। दक्षिण एशिया के देशों को ही सार्क के नाम से जाना जाता है। तो सार्क क्या है वो हम देखेंगे यहां पर। सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है SAARC। सार्क हो गया ये। अब इसकी फिर आता है हमारे पास सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तो नेपाल, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। स्थापना का अगर आपसे स्थापना पूछते हैं कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, अब देख रहे हो ना एक क्वेश्चन से हमने कितना उसे वाइड कर दिया। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। ये तो उसका क्वेश्चन है, ये तो आपसे आंख बंद करके कभी भी पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा गया तो फिर क्या पूछेगा? तो फिर इसमें से ही पूछेगा वो। तो यहाँ पर सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं मैंने आपको बताया, इसमें 8 देश आते हैं। तो 8 कौन कौन से देश आते हैं? आप ट्रिक से याद रख सकते हैं अपनी MBBS, अपनी MBBS। ए से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। पी से पाकिस्तान। एन से नेपाल। आई से इंडिया। एम से मालदीव। बी से बांग्लादेश। डी से भूटान। एस से श्रीलंका। तो इसमें ये 8 देश आते हैं जो कि सार्क का निर्माण करते हैं, और सार्क को ही हम दक्षिण एशिया कहते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया कि ये सीडीपी क्या है, इसका क्या काम है, और इसमें ये जो ये दक्षिण एशिया आया था ये क्या है, और कौन सा शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संसद ने किसे हाल ही में आतंकवाद प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? यूरोपीय संसद ने किसे हाल ही में आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रशिया को। यूरोपीय संसद जो EU है हमारा, यूरोपियन यूनियन, उसकी एक संसद है, उसके द्वारा हाल ही में रशिया को एक आतंकवाद प्रायोजक का मतलब होता है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, आतंकवाद को उत्पन्न करने वाला।
देश के रूप में घोषित किया गया है। अब वही है ना, चाहे अगर आप किसी के दुश्मन हो, आपका कोई दुश्मन है, चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसके दुश्मन हो तो आपकी अच्छाइयां भी उसे बुरी लगने लगेंगी। तो वही हो रहा है, अफगानिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, चीन आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इनको न पकड़ करके किसको पकड़ लिया, रशिया को पकड़ लिया, क्योंकि रशिया अन्य क्षेत्रों में इनसे प्रतिद्वंदिता करता है, प्रतिद्वंदी है, इसीलिए इन्होंने इसे आतंकवादी देश घोषित कर दिया। तो आप यहां से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनसे भी कुछ आपको सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य करो, लेकिन अगर आप किसी के प्रतिद्वंदी हो, मतलब वो भी वही कार्य कर रहा है, आप भी वही कार्य कर रहे हो, तो अच्छा बनने के चक्कर में वो आपको क्या करेगा, ब्लेम करने लगेगा, आप पर आरोप लगाने लगेगा, आप पर उल्टे सीधे आरोप लगाने लगेगा। तो जिस तरह से आज रशिया पर लग रहे हैं, हालांकि रशिया कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। वैसे तो सभी देशों में एक दूसरे की प्रतिद्वंदता होती है, जो पार्टियां होती हैं उनसे विरोध उत्पन्न होता ही है, लेकिन रशिया कभी भी नहीं देता है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जो लोग देते हैं उनको ये ब्लेम नहीं करते, उनको पकड़ते नहीं है, और वही है कि कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां से अग्नि 3 ICRBM को लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने, किसने किया है, हमको क्या ध्यान रखना है, भारत ने कहां से अग्नि 3 ICRBM, ये ICRBM क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इंटरमीडिएट है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आप सभी को बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो पृथ्वी के समानांतर चलती है, जो पृथ्वी के समानांतर जाकर किसी टारगेट को हिट करती है, उसी को हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ऐसी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है जो पैराबोलिक पाथ को कवर करती है, जैसे या तो उसे बादल में ही किसी भी मिसाइल को टारगेट करना है, किसी भी मिसाइल को हिट करना है, तो भी वो इस तरह से जाएगी और पैराबोलिक पाथ को कवर करेगी वहीं पर, या फिर उसे जमीन में कोई भी टारगेट को हिट करना है तब भी वो ऐसे जाएगी और इस तरह से टारगेट को हिट करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या और इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोबारा देखते हैं, क्रूज मिसाइल क्या है, ऐसी मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है जो पृथ्वी के समानांतर चलती है, जब जाके टारगेट को हिट करती है। लेकिन हमारी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो चलेगी तो पृथ्वी से ही, लेकिन वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। तो एग्जामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, पर तो हम मिसाइल रहे हैं कि भारत ने कहां से अग्नि 3 ICRBM बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। अब या तो आपसे मिसाइल का नाम पूछ लेंगे कि कहां से भारत ने अग्नि 3 मिसाइल को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। कहां से हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हो जाएगा। अगर वही पूछे कि ICRBM नाम की कौन सी निम्नलिखित में से बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी मिसाइल ICRBM टाइप की है, तो आपको अग्नि 3, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग इस तरह से दे रखी होंगी, उसमें आपको बता देना है वहां पर कि अग्नि 3, मतलब अगर उसमें एक ही पूछा होगा तो एक ही बैलिस्टिक मिसाइल देगा, बाकी क्रूज मिसाइल दे देगा आपको। तो इस तरह से आपको पता लगाना है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने कहां से अग्नि 3 ICRBM बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने क्रूज मिसाइल क्या होती है, मिसाइल कितने प्रकार की है हमने देख लिया। मिसाइल क्या होती है, ऐसा कोई भी अस्त्र जो क्या करता है, किसी भी टारगेट को हिट करने के काम आता है, उसी को हम मिसाइल कहते हैं। मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है हमने देख लिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 53 ओवर
हर चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। हाल ही में किसे 53 ओवर चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। साथियों, हमने अभी 8-10 दिन में ही कम से कम 5-6 फिल्म पढ़ ली हैं कि इस जो ये समारोह हुआ इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दिया गया, इस समारोह में इसको किसको दिया गया। तो इस तरह से मैंने बताया था आपको कि जो फिल्मों का एक पेज बनाए, जो भी मूवी आती है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उसके लिए एक पेज बनाए और सभी में लिख लें कि इस समारोह में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, इस समारोह में इसको। जैसे कूच गलती ढाका फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें कूच गल को दिया गया था। फिर अभी यहाँ पर हुआ था IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, उसमें चिरंजीवी को दिया गया था। फिर यहाँ पर 53 ओवर चैलेंज में डियर डायरी को दिया गया है। तो इस तरह से आप जितनी भी मूवी आती है ना, उनके लिए एक पेज बना लें जिसमें सारी मूवी आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किसे 53 ओवर चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा डियर डायरी को। किसको? डियर डायरी को। इस चैलेंज का नाम क्या था? 53 ओवर चैलेंज। 53 ओवर चैलेंज, ये 53 ओवर चैलेंज है, तो इसी का पार्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का, जिसे हम शॉर्ट में IFFI कहते हैं, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस तरह से। तो है तो ये इसी का पार्ट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना सब पार्ट, ये तो इसका मेन पार्ट है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ, फिर उसमें ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इस तरह से। तो उसी में से है 53 ओवर चैलेंज, एक समारोह हुआ था जिसमें कि डियर डायरी को फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। वहीं पर अगर हम इस समारोह की बात करें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, तो इसमें चिरंजीवी फिल्म को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ ये, 28 नवंबर 2022 को ये संपन्न हुआ। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था, 25 से 28 नवंबर के बीच ये आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये गोवा में हुआ। मतलब किस स्टेडियम में हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में इसको आयोजित किया गया था। ये हमारा हो गया 53 ओवर चैलेंज सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण 53 ओवर चैलेंज पुरस्कार के साथ ही संपन्न हुआ। जैसे 53 ओवर चैलेंज एक पुरस्कार था, मैंने बताया ना, जैसे IFFI तो एक मेन हेडलाइन है, उसमें क्या था, 53 ओवर चैलेंज हो गया, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो हो गया, इस तरह से बहुत सारे सब समारोह थे उसमें। तो उसी में से क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण 53 ओवर चैलेंज पुरस्कार के साथ ही संपन्न हुआ। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, 53 ओवर चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा डियर डायरी को। कहां पर ये आयोजित किया गया? ये गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। 25 से 28 नवंबर 2000 के बीच में ये संपन्न हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चिरंजीवी फिल्म को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन संपन्न होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता की रेटिंग सूची में कौन सीट्स पर रहा है? मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से, मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है, एक संस्था है, इसके द्वारा विश्व के नेताओं की लोकप्रियता की रेटिंग सूची जारी की गई। जैसे सभी विश्व के नेता हैं, उनको उनके एक सूची जारी की गई, रेटिंग सूची, कि कौन किसको ज्यादा वोट देता है, किसको ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं। तो वही सूची जारी की गई जिसमें कि नरेंद्र मोदी को 77% वोटिंग के साथ विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? मतलब विश्व के लोकप्रिय नेता। आप सोच सकते हैं, कहते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे लोकप्रिय होता है, लेकिन भारत की छवि सुधर रही है, उसी में नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको 77% वोटिंग के साथ विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में घोषित किया गया है।
क्वेश्चन इतना हो गया। मॉर्निंग कंसल्ट कहाँ की है? कंपनी है तो ये अमेरिकी कंपनी है। अब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेशन नहीं हुई कि अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिकी राष्ट्रपति बना दिए हो, जो बाइडेन बना दिए हो, ऐसा नहीं है। इसने निष्पक्ष रूप से निकाली है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी को एक विश्व लोकप्रिय नेता के रूप में घोषित किया गया है। नवंबर 2022 में ये सूची जारी की गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन संपन्न होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने आत्महत्या रोकने के लिए कौन सी नीति जारी की है? हाल ही में भारत ने आत्महत्या रोकने के लिए कौन सी नीति जारी की है? आंसर हो जाएगा आत्महत्या रोकथाम नीति 2022। इसमें बहुत सारे ये बताए गए हैं कि किस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए, जो भी डिप्रेशन वगैरह होता है वो सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? शहर का नाम पूछा गया है हमसे कि कौन सा शहर है जो 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। आप सभी को पता है कि दिसंबर 2022 से G20 की मेजबानी है वो भारत करने वाला है, तो उसी में 4 से 7 दिसंबर के बीच में भारत के उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर में ये बैठक की जाएगी। बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो राजस्थान का उदयपुर जिला है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। उद्देश्य क्या है इस बैठक का? विकास को बढ़ावा देना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। देशों के बीच मतलब जो G20 के देश हैं उन देशों के बीच, 90+1 देश हैं, अभी हम देखेंगे G20 के बारे में भी, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। अब G20 क्या है? हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था वो तो आंसर क्लियर हो गया कि कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहाँ स्थित है उदयपुर? तो राजस्थान में स्थित है। अब हम यहाँ पर G20 के बारे में देखेंगे कि G20 क्या है। G20 एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी मंच है। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। G20 की फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का ये एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 19+1 देश हैं इसमें, यानी 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में 27 देशों का एक समूह है, तो इसमें आप लगा सकते हैं 19+27, यहाँ पर 19+27 इसमें देश हैं, तो यहाँ पर 40 देश इसमें आ जाते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन को एक देश एक समूह के रूप में काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं 19+1 देश हैं। 19 देशों में इसमें एशिया से भी हैं, यूरोप से भी हैं, अमेरिका से भी है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से भी है, तो बहुत सारे इसमें 19 देश हैं, जो कि यहाँ पर कराना संभव नहीं था, हम किसी दिन करा देंगे G20 में कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर G20 आप देख सकते हैं अंतर सरकारी मंच है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, 19+1 इसमें देश हैं। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जिसमें से ब्रिटेन निकल चुका है, पहले इसमें 28 देश थे, ब्रिटेन के निकल जाने के बाद ये 27 देशों का समूह है। ब्रिटेन किस नीति के माध्यम से निकला था? तो ब्रेक्सिट के माध्यम से निकला था 2020 में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? हमसे पूछा क्या है? प्रधानमंत्री का नाम पूछा है जो कि मलेशिया के हैं, जो कि नए बने हैं। आंसर हो जाएगा अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम, क्योंकि मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, इसीलिए ये इनका भी नाम एक मुस्लिम ही है, अनवर इब्राहिम। तो ये कब बने? 24 नवंबर 2022 को ये बने हैं। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई? राजा सुल्तान अब्दुल्ला के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। अब मलेशिया के राष्ट्रपति कौन है? मलेशिया के राष्ट्रपति हैं नाजिब रजाक। नाजिब रजाक। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित।
मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। राजधानी क्या है मलेशिया की? कुआलालंपुर। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो आपको ध्यान रखना है हरिमौ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। हरिमौ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। मलेशिया कहाँ पर स्थित है? तो ये मलेशिया एक आसियान कंट्री है। मलेशिया क्या है? आसियान कंट्री है। ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हमारी आज की करंट अफेयर है और आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके लिए होमवर्क में ही क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष ओरियन यान को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष ओरियन यान को लॉन्च किया है? देश का नाम बताना है जो कि हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।